दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, आपके लेकर आ गया एक नई वीडियो। इसमें आपको जानकारी देने वाले हैं हम दिल्ली टू अलवर RRTS के बारे में। जी हाँ, आपको बताएंगे इसके स्टेशन के बारे में, कितने इसमें स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ पर स्टॉपेज होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जानकारी देते रहेंगे इस प्रकार की हम अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच गाइस, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दिल्ली अलवर RRTS एक प्रस्तावित 164 किलोमीटर लंबा दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ियों अलवर को जोड़ने वाला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फेज वन के तहत नियोजित 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है। 160 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार और 105 किलोमीटर की औसत गति के साथ दिल्ली टू अलवर के बीच की दूरी मात्र 104 मिनट में तय की जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेस होने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपनी एकीकृत परिवहन योजना के अंतर्गत 2032 के हिस्से के रूप में NCR में परिवहन प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार के लिए 8 रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की पहचान की थी, जो इस प्रकार से हैं। मैंने आपको जानकारी इसके बारे में पहले भी दी थी, फर्दर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो 8 कॉरिडोर बनने वाले हैं जो दिल्ली से कनेक्ट होंगे और यहाँ की बिल्कुल स्थिति को चेंज कर देंगे बिल्कुल। जी हाँ, पहला होगा आपका जो प्रोसेस में है अभी, 3 कॉरिडोर प्रोसेस में है अभी, रेस्ट अभी होल्ड पर है। पहला है आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दूसरा है दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी अलवर, थर्ड होगा दिल्ली सोनीपत और पानीपत, फोर्थ होगा दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए बल्लभगढ़ पलवल, फिफ्थ होने वाला है दिल्ली से बहादुरगढ़ रोहतक, सिक्स्थ होगा दिल्ली से शाहदरा होते हुए बड़ौद पहुंचेंगे आप। नेक्स्ट फेज़ जो स्टार्ट होने वाला है 7th नंबर पे, वो है आपका गाजियाबाद से खुर्जा को जोड़ा जाएगा और गाजियाबाद से उसके बाद फिर हापुड़ को जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी 3 ट्रांजिट सिस्टम ही प्रोसेस में है, इन पे काम चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से मेरठ का निर्माण पहले चरण में किया जा रहा है। आपको बता देते हैं, अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी को 23 मार्च 2010 को व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए काम दिया गया था, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें ऐसी लोकेशन जिन्हें कनेक्ट किया जा सके दिल्ली NCR से। इसके बाद इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इसमें टोटल 23 स्टेशन होंगे दिल्ली से अलवर के मार्ग में। जो आपको हम जानकारी देते हैं वो इस प्रकार से होंगे। चलिए आपको जानकारी देते हैं स्टेशन के बारे में। ये स्टार्ट होगी आपकी हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से, इसके बाद आप INA मेट्रो स्टेशन पे यहाँ से आप इंटरचेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगी मुनिरिका दिल्ली, नेक्स्ट होगा आपका दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन, यहाँ से भी आप इंटरचेंज कर पाएंगे। अगला स्टेशन होने वाला है आपका उद्योग विहार गुरुग्राम, नेक्स्ट होगा आपका सेक्टर 17 गुरुग्राम, अगला स्टेशन आपका होने वाला है हीरो होंडा चौक गुरुग्राम, स्टेशन आपका होने वाला है खेरखी धोला, नेक्स्ट स्टेशन आपको मिलेगा मानेसर में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन होने वाला आपका पंचगांव में, फिर आता है आपका बिलासपुर चौक, अगला स्टेशन होगा आपका दारूहेड़ा, अगला स्टेशन होने वाला है MBIR, फिर पहुंचेंगे इसके बाद हम रिवाड़ी, अगला स्टेशन होने वाला है बावल, अगला स्टेशन होगा आपका SNV शाहजहाँपुर निर्माणा और बहड़ो राजस्थान के लिए, यहाँ से एलिवेटेड होगी। यहीं पर पहला फेज़ ख़त्म हो जाएगा, पहले फेज़ में 17 स्टेशन हैंडओवर होंगे। नेक्स्ट फेज़ जो होगा उसमें आपके 4 स्टेशन होंगे हैंडओवर, जो इस प्रकार होंगे शाहजहाँपुर राजस्थान, निमराना राजस्थान, बहड़ो राजस्थान, अगला स्टेशन होने वाला है आपका सोतानाला, ये भी आपका पड़ता है राजस्थान। फेज़ 2 के ये 4 स्टेशन हैं जो हैंडओवर होंगे, और फेज़ 3 में आपके होंगे खैरथल और अलवल, ये 2 स्टेशन है जो लास्ट में आपको हैंडओवर होने हैं, खैरथल और आपका अलवर में जाके स्टॉप हो जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, इस मेट्रो के बन जाने से, RRTS के कॉरिडोर के बन जाने से अलवर और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी, कितना कम टाइम लगेगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतनी जानकारी आपको हमने दी, बताया पूरी इन्फॉर्मेशन दी इस कॉरिडोर के बारे में। सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई स्पेसिफिक वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर नई नई वीडियो आपके लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट योर लव।
आप बने हुए थे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा में। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। बाय, थैंक यू वेरी मच।